हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होते हैं, हम लोग कैसे कैसे कौन सा रिएक्शन का होता है, हम लोग का टेक्स प्लेस कैसे करता है, कौन कौन सा हम लोग का एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, और हम लोग का जो नाय होते हैं समुद्र वाला नाय, अगर हम वही नाय अगर हम लोग लेक में लेके जाए, रिवर में लेके जाएंगे तो डूब जाएगा, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आगे तक देखते रहना। और टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होता है, हम लोग कितने प्रकार के होते हैं, चार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, हम लोग का एडिशन, एडिशन हम लोग का एडिशन को हम लोग क्या भी कहते हैं, सिंथेसिस भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब कॉम्बिनेशन, एडिशन कॉम्बिनेशन आया मतलब क्या होगा, इसमें हम लोग कंबाइन होगा, तो इसमें कंबाइन होगा तो हम लोग का जैसे कोई भी एलिमेंट होगा जो कंबाइन होकर हम लोग प्रोडक्ट बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, जैसे हम लोग NaCl, हम लोग का ये उसमें क्या होगा, कंबाइन होगा, एड हुआ, तो ये एड होकर क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, मतलब सोडियम क्लोराइड साल्ट बना देगा। तो हम लोग का इसका हम लोग का जो सिंपल ट्रिक है, मतलब क्या जानेंगे, A+B मिलकर क्या बनाएगा, हम लोग का ए बी बनाएगा, ठीक है, A+B मिलके ए बी बनाएगा हम लोग का ये। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है, हम लोग डीकम्पोजिशन, इसी को क्या कहते हैं, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन भी कहते हैं हम लोग, एनालाइज भी कहते हैं, ठीक है, इसका हम लोग का अर्थ सिर्फ एक ही है हम लोग। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन है हम लोग का, ऐसा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है कि जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं होगा, जैसे ये टेक प्लेस करेगा नहीं, इसमें आता हम लोग का कैटलिस्ट चाहिए, हीट चाहिए, लाइट चाहिए, हम लोग का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए इसे रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। तो इसका हम लोग का एग्जाम्पल डिसोसिएट, डिसोसिएट मतलब क्या, जो कंपाउंड होगा उसे क्या करता है, डिसोसिएट करके स्प्लिट कर देगा, तो उसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। जैसे हम लोग का इसमें पोटासियम क्लोराइड हो गया KClO3, ये हम लोग का कैसे रिएक्शन टेक प्लेस होता है, हीट करने के बाद जब इसमें हीट दोगे तो क्या होगा, हम लोग का KCl बनाएगा और हम लोग क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को ऊपर वाले से थोड़ा उल्टा होता है, उसमें A+B मिलके AB बना था, तो हम लोग इसमें क्या होगा, जो AB होगा डिसोसिएट होकर किसमें हो जाएगा, हम लोग का A+B में हो जाएगा, या डिसोसिएट कर देगा, इसमें हम लोग का एड हुआ था, या इसमें क्या होगा, डिसोसिएट होगा, ठीक है। अब ध्यान का देना तीसरे नंबर में, हम लोग तीसरे नंबर में क्या है, एसिड बेस, एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब क्या होता है, जब एसिड और बेस हम लोग का रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइज कंपाउंड बनाते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, तो उसी लिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हम लोग पढ़े हैं, पहले मैं बता चुका हूं कि जैसे हम लोग एसिड, एसिड हम लोग क्या हो गया, एक एसिड लेते हैं H2SO4, एसिड लिए हम लोग का बेस क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम जब हम लोग का ये रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, हम लोग का मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हम लोग का वाटर बनाएगा, ठीक है, ये बना, तो हम लोग का इसमें क्या हुआ, मतलब क्या एसिड था या बेस था, एसिड जब बेस मिले तो हम रिएक्ट किए तो क्या बनाया हम लोग का, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर, मैग्नीशियम सल्फेट इसमें क्या हम लोग का साल्ट हो गया और हम लोग का वाटर वाटर हो गया, तो ये दोनों क्या न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो है कितना है, 7 है, ठीक है। तो इसमें जब एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो जो एसिड और बेस का प्रॉपर्टी होगा उसे लॉस्ट करके एक न्यूट्रल कंपाउंड बना दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग का पेट में जब गैस बनाता है, एसिड बना देते हैं, तो हम लोग जो डॉक्टर देते हैं मेडिसिन देते हैं, उसमें क्या होता है, एंटासिड होता है, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग का मेडिसिन होता है, या तो हम लोग का इनो देगा, जैसे उसमें भी बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब वो पीते हैं तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना देता है, उसे न्यूट्रल कर देता है, तो एसिड बेस का प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग साल्ट एंड वाटर बना देते हैं, इसमें क्या होता है, हम लोग अगर एसिड प्लस बेस हम लोग का मिलेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है, इसका इतना हो गया सिंपली। और हम लोग आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट, इसके नाम ही रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, रिप्लेसमेंट मतलब आपने ठाव छोड़ के कहीं दूसरे ठाव में चले जाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग का दो प्रकार का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल मतलब क्या होता है, इसमें एन एटम आर एक्सचेंज बाय एन अदर एटम टू फॉर्म इंड प्रोडक्ट, जो उसका एक ही एटम होगा क्या होगा, दूसरे एटम से साथ एक्सचेंज होगा हमारा इंड प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग का जिंक हो गया, जिंक प्लस हम लोग का क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, हम लोग का जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, हम लोग का जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हम लोग का जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब कि क्या, जो जिंक था हम लोग का जिंक किसी के साथ रिएक्ट हुआ, सिर्फ हम लोग का एक ही के साथ हम लोग का डिस्प्लेस्ड हुआ, एक से सल्फेट के साथ डिस्प्लेस हो गया, बाकी हाइड्रोजन का हो गया, वैसे के वैसे हम लोग का हाइड्रोजन बाकी बच गया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ध्यान यहाँ क्या देना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन मतलब क्या, दोनों का आयन क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब कि मैं तेरे को अपना हम लोग आयन दे रहा हूँ, तू भी मुझे अपना आयन दे, दोनों में क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग एसिड बेस रिएक्शन ले सकते हैं। एसिड बेस रिएक्शन में हम लोग क्या होता है, एसिड हम लोग का ये एसिड हो गया था, ये बेस हुआ था, जब ये रिएक्ट करता तो क्या करता है, हम लोग का मैग्नीशियम वाला इसका सल्फेट के साथ हम लोग का एक्सचेंज हो जाता है, और जो हम लोग का हाइड्रोजन होता है इसके हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो जाता है, क्या बना देता है, हम लोग का वाटर बना देता है, ठीक है। तो हम लोग का इसमें दोनों हम लोग क्या करते हैं, उसका वाला भी एक्सचेंज होता है, उसका वाला भी एक्सचेंज होता है।
तो सिंपली इसका जो ट्रिक हम लोग का क्या हो जाएगा, जब ए बी हम लोग का ए बी प्लस सी डी के साथ रिएक्ट होगा तो ठीक है तो क्या बनेगा, हम लोग का जो पीछे वाला होता है बी और डी मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब वो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो लास्ट में हमेशा रहेगा, तो ए वाला किसके साथ चला जाएगा हम लोग का डी के साथ चला जाएगा, और बाकी पॉजिटिव है तो पहले सी आ गया तो फिर नेगेटिव वाला किसके साथ चलेगा बी के साथ, तो इसमें क्या बनाएगा ए डी प्लस सी बी। ठीक है, इसमें हम लोग का क्या होता है हम लोग का अगर ए बी है और हम लोग का सी है तो इसमें क्या बनाएगा हम लोग का, जो हम लोग का ये रहेगा हम लोग का बी हम लोग का सी बी बनाएगा और प्लस ए बना देगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ चला जाए, बाकी वाला वैसे के वैसे रह जाए। तो इसमें आई होप क्या बचे, जो हम लोग का सिप होता है समुद्री वाला सिप होता है हम लोग, अगर वही उतना है बड़ी सिप उतनी गहराई में हम लोग अगर नदी में जाएगा लेक में जाएगा तो डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा मालूम है, जो समुद्र में होता है समुद्र में क्या होता है साल्ट होता है, साल्ट होने की वजह से उसका डेंसिटी क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है, डेंसिटी की वजह से वो नीचे से आप थ्रस्ट फोर्स देता है, तो उसकी वजह से जो सिप होता है अच्छे से फ्लोट करके सिप में बहुत बड़ा लोड लेके कैरी कर लेता है। ठीक है, लेकिन वही सिप नदी में जाएगा तो नदी में साल्ट वर्ट तो होता नहीं है, क्या होगा डूब जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे एक्सपेरिमेंट देता हूँ, अगर हम लोग एक ग्लास है, ग्लास में हम लोग अगर नमक एक पानी रख दे, पानी दोनों में रख दे, अगर हम लोग अंडा इसमें डालेंगे तो क्या होगा जो पानी रहेगा उसमें डूब जाएगा, लेकिन अगर इसमें हम लोग एक दो चम्मच नमक डाल दे और उसमें हम फिर अंडा डालेंगे तो क्या होगा इसमें फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट करेगा, जब नमक डालेंगे तो नमक का डेंसिटी जो पानी वाला होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा तो अब थ्रस्ट देगा, अंडे से ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा इजिली फ्लोट कर जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से होता है कि आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।